प्रेम शब्द का इस हद तक दुरुपयोग हुआ है कि हर एक कदम पर इसके अर्थ को लेकर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। यदि यह सच्चा प्यार है तो यह ऐसा कैसे हो सकता है? सच्चा प्रेम वही है जो कभी बढ़ता या घटता नहीं है। मान देने वालों के प्रति राग नहीं होता, ना ही अपमान करने वालों के प्रति द्वेष होता है। ऐसे प्रेम से दुनिया निर्दोष दिखाई देती है। ये प्रेम मनुष्य के रूप में भगवान का अनुभव करवाता है। संसार में सच्चा प्रेम है ही नहीं। सच्चा प्रेम उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसने अपने आत्मा को पूर्ण रूप से जान लिया है। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। सच्चा प्यार वह ऊर्जा है जो हमें सफलता के शिखर पर बिना थके ले जाता है। सच्चा प्यार वह प्रेरणा है जो किसी के दिल में बस गई तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सच्चा प्यार वह जुनून है जो हमें हमारी सीमाओं से परे सफलता की दुनिया में ले जाता है। सच्चा प्यार ऐसे जीवन को जन्म देता है जो ना कभी बूढ़ा होता है और ना ही मरता है। सच्चा प्यार एक ऐसा पराभौतिक एहसास है जिसके आगे इंसान तो क्या ईश्वर भी नतमस्तक हो जाता है। आपको जिस व्यक्ति के लिए प्यार का एहसास आया है उसके लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। यदि वो साथ है तो दुनिया की कोई भी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल उसके बारे में सोचते हुए एक जगह बैठे नहीं रहते बल्कि उसका ख्याल आते ही आप जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सफलता के प्रति आपके सपने बड़े हो जाते हैं और उन सपनों को पूरा करने की प्रेरणा आपको उससे लगातार मिलती रहती है। उसकी खुशी में ही आपकी खुशी छुपी हुई रहती है और उसकी खुशियों को बढ़ाने के लिए जी जान से लग जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि आप प्रेरित होकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मील का पत्थर साबित होता है। यदि आपके या उसके परिवार की ओर से कोई विरोध या ना आती है तो आप गुस्सा, निराशा और दुख के बजाय अपने सच्चे प्यार से प्रेरित होकर खुद को इस लायक बनाने की ओर सफल कदम बढ़ा देते हैं जहां पर पहुंचकर आपको कोई ना बोल ही नहीं सकता। सच्चे प्यार से आपके अंदर की शक्तियां जाग जाती हैं और वह सभी कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं जो एक सफल इंसान बनने के लिए जरूरी होता है। किसी से सच्चा प्यार करना और उससे कुछ अच्छा बनने या करने के लिए प्रेरित होना एक ऐसा एहसास है जो समय के साथ बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे जीवन भर की खुशियां और ढेर सारी सफलताओं को आप बटोर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है जो आप सच्चे प्यार में महसूस करते हैं, लेकिन मैंने कुछ एहसास इसलिए बताए हैं ताकि आप पहचान सके कि जो एहसास आपके अंदर किसी के लिए आ रही है वह सच्चे प्यार की है या फिर केवल आकर्षण या मोह है। प्यार उस हवा की तरह है जिसको आप देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हो। इस दुनिया के लिए तुम एक व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन वहीं किसी एक व्यक्ति के लिए तुम उसकी पूरी दुनिया हो सकते हो। सच्चा प्यार उस भूत की तरह है जिसके बारे में बात तो सब करते हैं पर देखा सिर्फ कुछ लोगों ने ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान से दूर होने के डर का कारण प्रेम नहीं मोह है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां डर के लिए कोई स्थान नहीं होता। आमतौर पर प्रेम को किसी ना किसी प्रकार के कष्ट से जोड़कर देखा जाता है। क्या यह वाकई में प्रेम है जो हमें कष्ट देता है, या फिर हम प्रेम से भटककर मोह में फंस जाते हैं और खुद को कष्ट देते हैं? आजकल जिसे लोग प्रेम कहते हैं वह किसी दूसरे के साथ खुद को बांधने का, खुद की पहचान बनाने का एक तरीका है, लेकिन यह प्रेम नहीं है, ये मोह है। हम हमेशा ही मोह को प्रेम समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मोह का प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी इंसान से प्रेम करते हैं और वह इंसान जब आपके पास होता है तो आप परम सुख का आनंद लेते हैं, और वहीं अगर वह इंसान आपसे दूर होता है तो आप दर्द और पीड़ा से भर जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वह प्रेम नहीं मोह है, क्योंकि प्रेम में उस इंसान की गैर मौजूदगी में भी आपको वही एहसास होना चाहिए जो उसकी मौजूदगी में होता है। एक माँ जो अपने अंदर पल रहे बच्चे का एहसास पल पल कर रही है, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, जिसको उसने देखा तक नहीं कि वो कैसा है, उससे इतना प्रेम कि वो उस दर्द को भी भूल जाती है जो इस बच्चे के कारण उसको हो रहा है। उसको बिल्कुल नहीं पता कि वो बच्चा जीवन में कितना सुख या दुख उसको देगा। इसलिए माँ का जो प्रेम है उसको संसार में सबसे महान माना गया है। मोह और प्रेम में बहुत अंतर होता है।
मोह का संबंध शरीर से होता है और प्रेम का संबंध आत्मा और परमात्मा से होता है। मोह हमको फंसा देता है, जबकि प्रेम हमें सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। हर इंसान को प्रेम और मोह का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मोह नहीं टिक सकता, और जहां मोह होता है वहां कभी प्रेम का वास नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम मुक्ति देता है और मोह बंधन। यदि सच्चा प्रेम पाना है तो कुछ पाने की इच्छाओं का मोह त्याग दो, तभी सच्चे प्रेम का एहसास हो सकता है। आपके जीवन में जब प्यार दस्तक देता है और प्यार की पहली शुरुआत होती है, तो वो एहसास इतना मीठा होता है कि आपके जीवन की सारी करवाहट, सारे दर्द को समाप्त कर देता है। पर उस वक्त आप एक बात हमेशा भूल जाते हो कि मोह और प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं। परंतु इस सफर में अंतिम जीत किसकी होती है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका प्रेम सच्चा हो तो आप उस पर आसानी से काबू पा सकते हैं, पर मोह एक ऐसा बंधन है जिसमें आप ऐसे कैद हो जाते हैं जैसे एक पिंजरे में पंछी जो पंख होते हुए भी उस पिंजरे से आजाद नहीं हो पाता है। अच्छा बुरा सही गलत जो भी हो, वो इस पिंजरे में खुश रहना सीख जाता है, जैसे आप मोह में सीख जाते हैं। इस मोह के पिंजरे से बाहर निकलकर वास्तविक प्रेम का एहसास कीजिए, जिसको आप सब कुछ अपना समझ रहे हो। क्या वो प्रेम है या सिर्फ आप मोह के बंधन में बंधे हैं? हम जो अपनी तन की आंखों से देखते हैं वो कभी प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारी आंखों द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, जिसको हमारे शरीर से जुड़े इन दो आंखों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रेम उस हवा की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देती परंतु महसूस होती है। आप तन की आंखों से कभी प्रेम को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं। तन की आंखों से तो राधा भी कृष्ण को नहीं पहचान पाई थी। इसलिए अगर प्रेम को समझना है, महसूस करना है, तो अपने आंखों को खोलिए, अपने मन की आंखों को खोलिए, तभी आप इन हवाओं के जैसे प्रेम को भी अपने अंदर महसूस कर पाओगे। इसलिए प्रेम की परिभाषा यह है कि प्रेम अंतर मन को छूने की कला है, एक सुखद अनुभूति है, एक अबूझ पहेली है, सब कुछ न्योछावर करने की इच्छा ही प्रेम है। हर मनुष्य को बस यही लगता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ एक स्त्री और पुरुष के बीच हो सकता है, परंतु यह सत्य नहीं है। प्रेम तो परिवार से भी हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, दोस्तों से हो सकता है, अपने वतन की मिट्टी से हो सकता है, लक्ष्य से हो सकता है, मानवता से हो सकता है। प्रेम वो शब्द है जिसकी व्याख्या असंभव है, पर इसमें जीवन छुपा है, जीने की चाह छिपी है। कभी डर तो कभी निडरता छुपी है, कभी बहुत प्रेम तो कभी घृणा छिपी है। प्रेम वो सत्य है जो कहीं ना कहीं ईश्वर से हमारा परिचय करवाता है, इसलिए प्रेम बिना जीना बेकार है। एक बार की बात है, नारद जी भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। जब नारद जी ने तीनों लोकों में राधा की स्तुति सुना तो वो बहुत चिंतित हो गए, बहुत सोचने लगे कि राधा में ऐसा क्या है कि उसकी स्तुति पूरे जगत में हो रही है। इसका जवाब पाने के लिए नारद जी ने कृष्ण जी के पास जाने का निर्णय लिया। इस सवाल का उत्तर पाने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, परंतु वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि कृष्ण जी के सर में बहुत ही पीड़ा हो रही थी। जब नारद जी उस पीड़ा के लिए उपचार पूछा तो कृष्ण जी ने उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त अपने चरणों को धोया हुआ पानी मुझे पिला दे तो मेरी पीड़ा कम हो जाएगी। नारद जी चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा अगर कोई भक्त अपने भगवान को अपने चरणों का धोया हुआ पानी पिलाएगा तो वो नर्क में जाएगा। उसके बाद नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुक्मणी को सारी बातें बताई। रुक्मणी जी ने अपना अपने चरणों का धोया हुआ पानी देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि देव ऋषि ये तो पूर्ण पाप है। उसके बाद नारद जी सीधे राधा के पास पहुंचे। राधा को भी नारद जी ने सारा हाल कह सुनाया। राधा ने सुनते ही एक पात्र में पानी लिया और उसमें अपने पैर डुबा दिए। अपने पैरों को धोते हुए पानी को एक छोटे पात्र में भरकर राधा नारद जी से देते हुए बोली, इसे तुरंत कृष्ण के पास ले जाइए। वह बोली, मैं जानती हूँ ये घोर पाप है, परंतु अपने प्रिय के जीवन के सुख और स्वस्थ जीवन के लिए मैं इससे भी अधिक दुख भोगने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर नारद जी समझ गए, उन्हें ज्ञात हो गया कि राधा कृष्ण की प्रेम की स्तुति पूरे ब्रह्मांड में क्यों गाए जा रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि राधा का कृष्ण के प्रति अपार प्रेम है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।